अस्सलाम वालेकुम। चिकन स्टू बनाने के लिए मैं 500 ग्राम चिकन, 2 से 3 अदद प्याज, 2 से 3 अदद टमाटर, लहसुन अदरक जो हमने चॉप कर लिया है, भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, ये हरी मिर्च एंड हरा धनिया, दही पिसी, हल्दी पिसी हुई, लाल मिर्च, नमक, साबुत मिर्च 4 से 5 लौंग, 2 स्टिक दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 5 से 6 काली मिर्च चाहिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और चिकन स्टू की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हम स्टार्ट करते हैं चिकन स्टू रेसिपी। ऑयल में, पैन में ऑयल गर्म करेंगे हम सबसे पहले, उसमें हम प्याज अब ऐड करेंगे। ऑयल अच्छा सा गर्म करके हम उसमें प्याज ऐड करेंगे। इसको हम हाई फ्लेम के ऊपर भून लेंगे लाइट ब्राउन कलर आने तक। लाइट ब्राउन कलर आ गया, अब हम इसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची डाल के भून लेंगे। इसकी खुशबू स्टू में बहुत अच्छी आती है। अब हम इसमें लहसुन अदरक चॉप जो हमने करके रखा हुआ है वो ऐड करेंगे। और प्याज के साथ अच्छा सा भून लेंगे लहसुन अदरक को भी। ये देखें, ये अच्छा सा सब हमने भून लिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हमने इतना भूनना है कि इसमें चिकन का कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छा सा भूनेंगे। प्याज और जो हमने स्पाइसेस डाले हैं, ये देखें कलर चेंज हो गया अब चिकन का। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, हल्दी पिसी हुई, लाल मिर्च और नमक हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको भुनाई करेंगे। मसाले आप जितने अच्छी तरह भून लेंगे उतना ही स्टू का टेस्ट अच्छा होगा। ये देखें अभी अच्छे से हमने भून लिया। तो इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करके हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और अब हम इसको भूनने के बाद थोड़ा और अच्छी तरह भून कर हम इसको कवर कर देंगे 5 to 10 मिनट्स, ताकि इसी पानी में चिकन और टमाटर दोनों गल जाएं। ये देखिए हमारा चिकन भी गल चुका है और टमाटर भी। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करके भूनते रहेंगे। ये देखें अब हमने दही ऐड करके अच्छा सा भून लिया। अब हम इसमें ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ डालेंगे और ये खुशबू वाला पत्ता भी ऐड कर देंगे, ताकि हमें सालन में जो खुशबू है अच्छी आ जाए। अब हम इसमें लाल मिर्च, साबुत और मैंने थोड़ी सी काट भी लिए हैं, अगर मुझे स्पाइसी चाहिए, जिसको स्पाइसी चाहिए तो वो उसको काट के इसमें ऐड कर सकता है। इसमें हरी मिर्च और धनिया ऐड करेंगे। उसको अच्छी तरह भून लेंगे, ऑयल ऊपर आने तक अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे 2 to 3 मिनट्स लो फ्लेम के ऊपर। ये देखें अच्छा सा हमारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, हाफ लेमन जूस ऐड करेंगे। ये देखें हमारी चिकन स्टू रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को चिकन स्टू की रेसिपी कैसी लगी
और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।